सत्य पोलिस टाइम्स। महाराष्ट्र के गोंदिया रेस्ट हाउस में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के घटक सम्राट अशोक सेना मूल निवासी संयुक्त मोर्चा के तत्वज्ञान में भारतीय संविधान के तहत सम्राट अशोक का राज विषय पर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया है। इस चर्चा सत्र के मुख्य वक्ता संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक गोपाल रुचिकर भारती और अध्यक्षता सम्राट अशोक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन तुलसीराम गेडाम ने हिस्सा लिया है। तो भारती जी, सत्य पुलिस टाइम में आपका स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से और आपको जो है मेरी ओर से सादर जय भी मैं करता हूं और सभी साथियों को नमो बुद्धाय। सम्राट अशोक का राज कायम किस तरह करवा सकेंगे आप? सम्राट अशोक एक ऐसा नाम है जो भारत के पास में जो है अगर कोई चीज गौरव की चीज है तो वो है भारत का संविधान, सम्राट अशोक, बाबा साहब अम्बेडकर और गौतम। सम्राट अशोक एक ऐसा नाम है जो अखंड भारत में मौर्य वंश का और भारत के मूल निवासियों का राज स्थापित करने वाला महान सम्राट रहा है। और कैसे स्थापित करना है इसके पीछे हमारी पूरी विचारधारा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जिसमें आइडियोलॉजिकली हमको बताया है और उसमें हमने काशीराम जी के साथ में वर्क भी किया है। वो दुर्भाग्यवश काशीराम जी आज हमारे बीच में जीवित नहीं रहे, लेकिन इस देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए हमने उसको तैयार किया था और आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन हम एक ऐसा समय भी हमने 2024 का हमने टारगेट फिक्स किया है कि जिसमें हम एक बहुत अच्छा जो है परिणाम हम समाज को देंगे। इस आधार पर हम सम्राट अशोक का जो राज है वो केवल पॉलिटिकली नहीं बल्कि समाज के अंदर भी, जैसे हमने अभी तय किया है कि हम जो है सरकार अगर हमारी नहीं भी आई तो 10 करोड़ हमको बौद्ध बनाना है। बौद्ध धर्मांतरण की बात नहीं, हम धर्म वापसी आंदोलन, हमारा मूल धर्म बौद्ध धर्म है, ये बात हमको समझना पड़ेगा। और इस देश के अंदर ब्राह्मण भी कभी भी हिंदू नहीं रहा, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, कहीं पर भी ब्राह्मण भाइयों से शंकराचार्य जी से हमने कहना चाहते हैं कि आप बताइए कि कब आप हिंदू रहे। गौतम बुद्ध ने सबसे पहली दीक्षा जो दिया वो ब्राह्मण, जो 5 ब्राह्मण थे तो उनने सारे भारत के अंदर जो है पूरे दुनिया को मतलब संदेश दिया था। तो हम ब्राह्मणों के खिलाफ भी नहीं है, हर समाज में बुरे आदमी हैं, हर समाज में अच्छे आदमी हैं, तो बुरे आदमी भी ब्राह्मणों में भी होंगे। 1% हम बुरा मान लेते हैं, 99% ठीक है। और हमारे समाज के जो बहुजन समाज के हैं वो 95% जो 4% बेईमान हम मान के चलते हैं, बाकी जो है हम ठीक। इस तरह से हम लोग 5 और 95% अभी हम लोग लेके आए हैं। उसी इस आधार पर 95% लोगों को एकजुट करके सम्राट अशोक का शासन, उसके बिना कोई दूसरा चारा नहीं। बुद्ध ही दुनिया को बचा सकते हैं। बुद्ध का धर्म एक ऐसा धर्म है, वो धर्म नहीं कह सकते उसको, लेकिन वो धर्म ऐसी विचारधारा के आधार पर जो सबको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का न्याय के आधार पर खड़ा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सम्राट अशोक का शासन इस देश में सबसे सरल तरीके से लाया जा सकता है। सम्राट अशोक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है। मैं सत्य पुलिस टाइम के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक का कारवा किस तरह वो सम्राट अशोक के सेना के माध्यम से ले जा रहे, तो यह उपस्थित है हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले मैं सत्य पुलिस टाइम को धन्यवाद देता हूँ कि आज गोंदिया की रेट हाउस में मेरी मुलाकात हो रही है। भंडारा से मैं, मेरा प्रॉपर भंडारा है, भंडारा जिला, भंडारा से मैं गोंदिया जिले में सम्राट अशोक सेना का गठन करने के लिए सम्राट अशोक सेना की जिला कार्यकारिणी गठन करने के लिए हम 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर 2021 से हम यहाँ बैठे हैं। हमारे साथ बैठक में जिन्होंने अध्यक्षता की है, जो छत्तीसगढ़ से आए हमारे साथी, हमारे बड़े भाई गोपाल रुचिकर भारती जी हैं। तो सम्राट अशोक के विचार जनमानस तक पहुँचने के लिए हम गोंदिया में
नए नए लोगों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए हम ये आए हैं और 3 और 4 तारीख से हम संगठन को बढ़ाने के लिए यही काम कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बाकी हमारे देश के विभिन्न राज्यों में भी सम्राट अशोक का कारवा बढ़ाने के लिए हम कोशिश में लगे हैं। तो इतना बड़ा महान सम्राट जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, तो वो सम्राट अशोक केवल इतिहास में ही सीमित है। महाराष्ट्रासह देशभरातील ताज्या अपडेटेड घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। सत्य पोलीस टाइम्स, पोलीस व सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज।